मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे, उन्होंने बड़ी भीड़ को देखा और उस पर तरस खाया। और वो भीड़ कौन सी थी? जिनका कोई चरवाहा नहीं था, जिनका कोई चरवाहा नहीं था, लाचार थी, बेचार थी, कोई उनको सही गलत बताने वाला नहीं था। वो बिना चरवाहे के मर रही थी। वो भीड़ और कोई नहीं थी, मैं और आप थे कि नहीं? पर उस नाम पर तरस खाकर हमें एक भेड़शाला में ले आया, और भेड़शाला में लाकर उसने 5 प्रकार की मिनिस्ट्रीज को नियुक्त करा हुआ था। उसमें एक है चरवा। क्या है? चरवा। और चरवाहे की जरूरत इसलिए है कि भेड़ भोली है, भेड़ भोली होती है, वरना बिना चरवाहे के भी काम चला सकता था ना खुदा बाप, क्यों ये पोस्ट क्रिएट करी? परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसके 1 पद से कुछ बातों को अपन पढ़ेंगे और आज थोड़ा वचन सुनेंगे। उस पहली वाचा में सेवा के नियम थे। सेवा कैसे की जाती है, सेवा को कैसे निभाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सेवाओं का को किस तरीके से निभाया जाता है वो नियम थे पहले और आज भी हैं। आज कोई हम बेलगाम घोड़े नहीं हो गए, हमारे ऊपर चरवा है। पुराने नियम में भी सेवा के नियम थे, सेवा निभाने के लिए याजक और महायाजक हुआ करते थे। चलिए आगे पढ़ेंगे, उससे मालूम पड़ेगा। पढ़ी, और ऐसा पवित्र स्थान था, और एक ऐसा पवित्र स्थान परमेश्वर ने बनवाया था जो इस जगत का था, जो इस जगत में बना, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। एक तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला था, पहले तंबू में दीवट रखना है, और मेज रखना है, भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता वो है। पवित्र स्थान कहलाता था। नंबर 2, दूसरा एक और था पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता वो है। परम पवित्र यानी महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, फिर उसके बाद महापवित्र स्थान, और उसके बाद उसमें सोने की धूपदानी, उसमें धूपदानी थी, और चारों ओर सोने से मंडा हुआ वाचा का संदूक, चारों ओर से सोने से मंडा हुआ वाचा का संदूक था, और इसमें मन्ने से भरा हुआ सोने और का उस वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ एक पात्र था, और हारून की छड़ी, और हारून की छड़ी थी जिसमें फूल फल आ गए थे, जो फली और फूली थी, और वाचा की पट्टियां थी, और वाचा की पट्टियां भी थी, और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे, और उसके ऊपर तेजोमय करूब यानी स्वर्गदूतों को विराजमान कर दिया था, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए जो प्रायश्चित का एक जो वाचा का संदूक था उसका एक बड़ा सा ढक्कन था, ढक्कन का नाम था प्रायश्चित का ढक्कन। और इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। लेखक कहता मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी बातें तुम्हें बताऊं, लेकिन थोड़ी बताई समझ लो। तो वचन कहता है, आगे पढ़ो, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में, याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूं, याजक पहले तंबू में, याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम को संपन्न करते थे, सेवा के कामों को निभाते थे। याजक का काम याजक को करने दो, आज का मेरा मैसेज यह है। मारवाड़ी में कहावत है, जिसका काम उसको सजे, और अगर अपने हाथ में लिया तो क्या होने वाला वो बताने वाला हूं। प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, करते हैं। चलिए जी, पर दूसरे में केवल महायाजक, बड़ा पादरी साहब, फिर बड़ा पादरी साहब, है ना, पास्टर, और उसके साथ एसोसिएट पास्टर्स,
असिस्टेंट पास्टर्स परमेश्वर रखता, ठीक है। जहां पास्टर साहब बड़े बड़े भाई पास सब नहीं जा सकते, वहां छोटे वाले जाते, लेकिन कहीं कहीं छोटे वाले भी नहीं जाते और सब काम हो जाते। और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये मैं सिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं। आगे क्या लिखा है? वर्ष भर में एक ही बार जाता है, साल में एक ही बार मायाजक काम करता था और बिना लहू लिए नहीं जाता। और उसका भी नियम था, जब जाएगा तो कुर्बानी का लहू लेकर के अंदर जाएगा, आपके पापों के प्रायश्चित के लिए अंदर जाएगा। और वो भी बहुत सारे और नियम थे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि सेवा के कामों को निभाने के लिए खुदा ने खादिमों को रखा है। लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 8 पद और 9 पद पढ़िए। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, दल हर एक बहुत सारे दल थे वहां पर, और हर एक दल का एक अगुवा होता था, याजक होता था, और जिसकी बारी होती थी वो ही सेवा निभाता था। यहां लिखा है जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो क्या हुआ? आगे क्या लिखा है? तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली और प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए कि क्या करे, वो मंदिर में जाए और क्या जलाए? धूप जलाए। कौन जलाए? याजक। कौन जलाए? याजक। तो याजक का जो काम है वो याजक को करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम याजक का काम अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि हम सब याजकों का समाज हो गए नए नियम में। वो अच्छी बात है, वो है भी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें ताकि सेवा के कामों को क्या किया जाए, निभाया जाए, इसलिए याजकों की नियुक्ति होती है, याजकों की ट्रेनिंग होती है, याचकों को अभिषेक किया जाता है, याचकों को पावर दी जाती है कि यहां तक आप काम कर सकते हो। जितनी सेवाएं आपको दी जाती है, जितनी सेवा में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, वो आपके आपके लिए काफी है, उससे ज्यादा मत करो। पास्टर का काम पास्टर को करने दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवा के नियम है, इसी प्रकार से कलीसिया में जब हम आते हैं तो कलीसिया के नियम है, स्कूल में जब हम जाते हैं तो स्कूल के नियम होते हैं, अगर हम कंपनी में जाते काम करने तो वहां कंपनी के नियम होते हैं, उनको तोड़ नहीं सकते हम। और हमारे ऊपर जो हैं उनका ऑनर करना हमारा फर्ज और कर्तव्य होता है। एक याजक यहां अगर है तो याजक के काम को कोई भी अपने हाथ में ना ले। चलिए निकाल के हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, पहला शमूएल 13वां अध्याय उसके 8 पद से। शमूएल के ठहराए हुए समय पर याजक शमूएल है। शमूएल कौन है? याजक है। याजक और राजा ने एक समय निर्धारित किया है कि हम उस समय पर 7 दिन के बाद वहां मिलेंगे, लेकिन बाई चांस याजक के आने में देरी हो गई, ऐसा लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। वो 7 दिन के बाद मिलने की जो योजना थी उसमें जब समय थोड़ा सा लेट हो गया तो वो क्या हुआ, पढ़ो। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया। शमूएल फाटक बंद होने की वजह से नहीं पहुंच पाया टाइम से। याजक समझ में आ गया कि नहीं, फाटक बंद हो, अब क्या हुआ, आगे पढ़ो। और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे, लोग बिखरने लगे, लोग जाने लगे, रे भैया पादरी साहब को तो बुलाया था, 11 बजे बज गई है, 1 अभी तक तो आए नहीं, अपन तो चलो अपने धंधे पर, अपने काम पर, अपने को दुकान खोलनी है, ठीक है ना, इंतजार नहीं किया। तो क्या हुआ? तब शाऊल कौन है? शाऊल वाज ए किंग। राजा का काम राजा करेगा और याजक का काम याजक करेगा। या राजा को भी अधिकार नहीं है कि वो याजक का काम अपने हाथ में ले। ये ध्यान से सुनिए, मैं वचन सुना रहा हूं आपको। यहां लिखा है तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। शाऊल ने क्या करा? नौकी तेरी करना शुरू कर दिया। मां की मारवाड़ी में यान बोले, नौकी तेरी कर, उरला रहे मैं चढ़ा दूं, वो पादरी साहब नहीं आया तो कोई कोई को ना, वहां कूद जाऊं,
अगर देर से आ रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा तुमको। शाऊल ने कहा होम बलि मेरे पास ले आओ, मेल बलि मेरे पास ले आओ, और उसने होम बलि को क्या कर दिया, चढ़ा दिया। चढ़ाने का काम किसका था? याजक का था। किसने चढ़ा दिया? चलिए अपन थोड़ा सा उसका परिणाम भी देख लेते हैं। परिणाम देखते हैं, परिणाम पे बहुत जरूरी है कि परिणाम पे गौर करें। पढ़िए आगे, पढ़िए क्या परिणाम निकला। जो ही वह होम बलि चढ़ा चुका तो क्या देखता है, क्या देखा कि शमूएल आ पहुंचा। शमूएल आ गया, कौन? याजक आ गया। और उसके बाद क्या हुआ? और शाऊल उससे मिलने, शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? ये क्या किया तूने? होम बलि मेल बलि में से धुआं निकल रहा है, ये क्या करा तूने भाई? आगे पढ़ो। शाऊल ने कहा, शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से लोग जा रहे और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर, तू लेट हो गया आने में, तो मैंने क्या किया? और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं। आगे तब मैंने सोचा बहुत से लोग बहुत सोचते कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा परमेश्वर से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी पादरी साहब, ये काम मैं करूं, लेकिन करना पड़ा। ये स्टेटमेंट है राजा के। तो ऐसे बोलने से, गर्दन हिलाने से सजा कम थोड़ी हो जाएगी है? नहीं होगी। हाँ जी, क्या सजा मिली जरा पढ़े देखें। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, याजक ने राजा से कहा, राजा तूने मूर्खता का काम किया है। तूने काय काम? नंबर वन, जो लोग याजक का काम अपने हाथ में ले रहे हैं वो मूर्खता का काम कर रहे हैं। नंबर दो, वो अपना भाग खो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है तूने मूर्खता का काम किया, तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तुझे इंतजार करना चाहिए था, तूने नहीं किया। पढ़ो, नहीं तो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा राज्य इसराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। तेरा राज्य सदा बना रहता, लेकिन अब नहीं रहेगा। क्यों? तूने याजक का काम अपने हाथ में ले लिया। तू राजा तो था, तू राजा का काम कर, जिसका काम उसी को साजे। समझ में आया ना? चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। अभी तो नुकसान बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत है। हाँ पढ़ो। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। तेरा राज्य है, तेरी किंगडम खत्म। क्या ये बात छोटी है, छोटी सजा है? तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा, और तेरे स्थान पर परमेश्वर यहोवा ने, तेरे स्थान पर परमेश्वर यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, दूसरा व्यक्ति ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। मैं दूसरे को आशीष दूंगा, मैं दूसरे को बढ़ाऊंगा। तूने वो काम किया है जो मेरी दृष्टि में मूर्खता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़िए। जो परमेश्वर यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा और नियम और विधि और विधान को पहले पढ़ो, जानो। इसीलिए तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाता और इस कटोरे में से पीता है। यीशु मसीह को इस धरती पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Who अपॉइंट अस? मुझे किसने नियुक्त किया है? इसलिए हम, जैसे यीशु ने प्रार्थना किया ना कि बयारी के पीछे से उसने कटोरा भी लिया, उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी, ये एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए हम ये सेवा निभाते हैं। पास्टर का मतलब क्या होता है मालूम है?
जिसके पास भेड़े होती है ना उसको पास्टर बोलते हैं। हम पराए के मां बाप ना बने, याचकों को कह रहा हूं, अपने कोख से बच्चों को जन्म देना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, दूसरा सैमुएल छठा अध्याय छठा पद। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, हाँ, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर, ये वाचा के संदूक को ले जाते समय की घटना है, जब बैलगाड़ी पे दाऊद बादशाह ने उसको रख दिया, और बाइबल बताती है जैसे ही बैलों ने ठोकर खाई, वहां एक व्यक्ति था, उसने वाचा के संदूक को हाथ लगा दिया, जो नियम के विरुद्ध था। क्योंकि नियम क्या था, वाचा के संदूक को केवल याजक ही छू सकते थे, और याचकों को भी एक आदेश था कि उसको कंधे पर उठा के ले जाना है। पहली गलती तो यह थी कि वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में रखा, फिर संभालने के लिए अज्जा गज्जा को लगा दिया। तो अज्जा गज्जा को लगाया तो अज्जा गज्जा तो मरेगा भाई, बता दूं मैं तुमको। हेलो, तो वहां पर एक, जैसे उसने हाथ लगाया वहां पर क्या आ गई, मृत्यु आ गई। और लो और चलो और बताता हूं, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 पद से पढ़िए। एक और उदाहरण देता हूं, मैं दो तीन उदाहरण दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि जिसका काम उसको साझे। चलिए आगे पढ़िए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, एक राजा है जिसका नाम उज्जिया है। कौन है? उज्जिया है, राजा है उज्जिया, राजा उज्जिया, राजा उज्जिया, राजा उज्जिया सामर्थी हो गया। तब उसका मन फूल उठा। अब पादरी की क्या जरूरत है, अब तो अपने पास बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, वैभव है। अरे याद करो वो पहला दिन जिस दिन राजू भैया से तुम्हारी मुलाकात हुई थी, और तुम्हारे हालात क्या थे, तुम कैसी दशा में थे, वो पहला दिन याद करो, पहला जिस समय आपकी और मेरी मुलाकात प्रभु ने कराई थी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है पढ़ो। और उसने बिगड़ गए गोला करो लाल नीले पीले से। जब उन्नति आती है, पैसा आता है, और हमारे धंधे बंदे सब अच्छे चलने लगते हैं, तो हम बिगड़ते। राजा बिगड़ गया, और बिगड़कर उसने क्या किया पढ़ो। अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। किसका? परमेश्वर के साथ विश्वासघात शुरू किया। जो खुदा का था वो खुदा को नहीं देकर विश्वासघात करते हैं बहुत सारे लोग। मैं साफ बोल रहा हूं, दशमांश नहीं देने वाले परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको। और इस विश्वासघात का परिणाम आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। आप मत सोचना कि हमने बहुत कुछ बचा लिया, सब निकलेगा बाहर, सब जाएगा। वो जो तुमने रोका है वो जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। लिखा हुआ है मन फूल गया और बिगड़ कर उसने अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। एक और गलत काम और कर दिया विश्वासघात के साथ, वो क्या किया पढ़ो। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को परमेश्वर यहोवा के मंदिर में घुस गया। क्या ये याजक का काम, ये राजा का काम है? हेलो, मंदिर में धूप जलाने का काम किसका है? याजक का काम करने के लिए वो राजा है और मंदिर में घुस गया। राजा हो इसका मतलब ये नहीं पादरी से ऊपर हो गए हो, याद रखना। चलिए आगे पढ़िए। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया। एक याजक है वहां पर जिसका नाम है अजरिया। ये काम किसका था? मंदिर में धूप जलाने का काम याजक का था। जब याजक अंदर पहुंचा तो क्या देखा? और उसके संग परमेश्वर यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे। याजक वो केवल अकेला नहीं था, 80 याजकों का दल अंदर घुसा, और घुसते ही क्या देखा?
उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, राजा को देखा और राजा को जब मंदिर में धूप जलाते हुए देखा तो राजा से उन्होंने कहा, ऐसी दिलेरी लाना भी बहुत मुश्किल का काम है। लिखा हुआ है उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, ध्यान से सुनो, राजा को बोलना नबियों का काम है, राजा को उसकी गलती बताना नबियों का काम है, अगुओं का काम है, आपकी गलती बताना मेरा काम है, नहीं और कोई बताएगा आपको है? और कोई आएगा आपकी लाइफ में? आपके घर में गलत काम हो रहा है और मैं चुपचाप बैठा रहा हूं और आप बर्बाद होते रहे, क्या इसलिए प्रभु ने हमको यहां रखा है? क्या इसलिए आपको हमारी भेड़ बनाया है? इसलिए बनाया है कि हम आपकी रखवाली करें। लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, पढ़ो, हे उज्जिया, हे उज्जिया राजा, यहोवा परमेश्वर के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। इतनी दिलेरी भी राजा के याजक के पास होनी चाहिए। उज्जिया राजा को अजरिया ने कहा, ये काम तेरा, धूप जलाने का काम तेरा नहीं था, तूने क्यों किया? परिणाम सुनो, सुनना है परिणाम? अरे हाँ या ना यार, रहने दो, नहीं परिणाम सुनो, पढ़ो। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है। किसका काम है? धूप जलाना। सेवा का काम किसका है? सेवा कौन निभाएगा यहां पर खड़ा होकर? याजक निभाएगा। और उसने धन्यवाद करके रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। और उसने बिहारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। कौन है, कौन कर रहा है, कौन सर्विंग कर रहा है, कौन सेवा दे रहा है वहां पर? जीसस हिमसेल्फ। यहां लिखा है हारून की संतान अर्थात याजकों का काम है। जो काम याजकों का था तूने कर दिया। अब सुनो परिणाम आगे, पढ़ो। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तू कहां से निकल जा? तेरा इस पवित्र मंदिर में, तेरा पवित्र स्थान में कोई काम नहीं है, चल बाहर निकल। आपको पता है यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में मंदिर की सफाई की, करी कि नहीं है? मंदिर में क्या चल रहा था? कबूतरबाजी चल रही थी, मंदिर में लेन देन चल रहा था। और यीशु अपने मंदिर में आया तो इन सब को बाहर निकाला। चलो आगे क्या लिखा है, देखो आप परिणाम सुनते अपन। तूने विश्वासघात किया है। यहां फिर क्या कह रहा है वो? तूने क्या किया है? खुदा के साथ तूने विश्वासघात किया। उधर भी क्या लिखा था? विश्वासघात किया। डोंट डू लाइक दिस। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं, हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ वो तो देख लें पहले। हाँ, यहोवा परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से। यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। क्या कारण नहीं बना? वो महिमा का कारण नहीं बना। आगे तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। याजक की बात ना मानकर आज बहुत से लोग झुंझलाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको। हमने जो बोला है उस पर ध्यान नहीं किया ना तुमने, तो घटेगी घटना। मैं कोई साधारण पादरी नहीं हूं, ये ध्यान रखना। आई एम अपॉइंटेड बाय गॉड। मैं नम्रता से बोल रहा हूं इस बात को, मजाक में नहीं बोलता हूं, मजाक में मत उड़ाओ। 18-18, 20-20 साल बाद अगर कोक खुलती है यहां पर तो इसका मतलब है ना कि खुदा कुछ करता है यहां पर है? चलिए आगे क्या लिखा है। याजकों के देखते ही देखते वह याजकों पर झुंझला रहा था। वो अंडरलाइन करना इस लाइन पर, याजकों पर झुंझलाना मत। पड़ोसी को बोलो अपने, पास्टर पर कभी गुस्सा नहीं करना। हेलो, वो याजकों पर क्यों झुंझला रहा था? यही तो बोला था याजक ने कि तेरा काम नहीं है, ये तेरा काम तू कर, मेरा काम मेरे को करने दे। क्या गलत बोला? अरे वही तो बोल रहा हूं जो प्रभु ने सिखाया हमारे को। हमने अपने बाप दादों से सीखा, हमारे सीनियर से सीखा, अगुओं से सीखा, वचन पढ़ करके जाना और समझा। लिखा हुआ है झुंझला रहा था तो याचकों के देखते देखते यहोवा के भवन की
यहोवा परमेश्वर के भवन में धूप की वेदी के पास ही क्या प्रकट हुआ? उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। क्या मेरे साथ हैं? सजा मिली कि बोलो हैंड टू हैंड ही मिली। वहां लिखा है उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। इसी के आगे पढ़ेंगे हम। अजरिया महायाजक और सभी याजकों ने उस पर दृष्टि की। उस पर दृष्टि की तो क्या पाया और क्या देखा? क्या देखा? कि उसके माथे पर कोढ़ निकला। उसके ऊपर माथे पर क्या निकल गया है? कोढ़ निकल गया है। और वो कोढ़ कब तक रहा बेटे? तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। यहोवा परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? कोड़ी कर दिया है। और उसने आप बाहर जाने को उतावली की। बस अभी 21 पद पढ़ लो। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोड़ी रहा। नो ग्रेस कोई अनुग्रह। आपको पता है यशया नबी और उज्जिया राजा के संबंध कैसे थे? उज्जिया राजा था और यशया उसके महल में रहता था। तब भी कोढ़ नहीं है। कुछ चीजें अगर खुदा से तुमने पाली तो उसमें याजक क्या करेगा, नबी क्या करेगा? एक दिन मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए पर्वत पे चला गया। वापस आने में देरी हुई तो असिस्टेंट पास्टर फॉर्म में आ गए। कौन? वही और फॉर्म में आ गए और क्या करने लगे? अरे भैया वो तो पादरी तो मर गया लगता है, आएगा ही नहीं वापस। बाट जोना सीखो पादरी की, बाट जोना सीखो। कर्नेलियुस अपने घर में पत्रस और यहुन्ना को की बाट जो रहा था। पत्रस और यहुन्ना की क्या जो रहा था? कौन जो रहा था? कलीसिया के इकट्ठा करके अगुओं की बाट जो। आजकल क्या प्रॉब्लम है मालूम है? पादरी को बाट जोना पड़ता है आपका। पहले के जमाने में क्या था? विश्वासी पहले आते थे आधे घंटा। मैं गलत बोल रहा हूं? वहां लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10 अध्याय घर जाके पढ़ना, वहां लिखा हुआ है कि कर्नेलियुस अपने कुटुंबी और अपने मित्रों को इकट्ठा कर पत्रस और यहोन्ना की बाट जो रहा था। बाट जोना सीखो। याजक अगर लेट आ रहा है तो थोड़ा बाट जो उसकी। नहीं, और हमने पत्रस और यहोन्ना की उन्होंने बाट जो ही तो आशीष पाई। और इधर निर्गमन के अंदर 33वें अध्याय में बात कर रहा हूं, 32-33 में वहां लिखा हुआ है कि मूसा जब ऊपर गया तो लेट हो गया आने में, तो नीचे गड़बड़ झाला हो गया। हारून ने अपनी सेवकाई चालू कर दी। आज आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जो काम जिसको करना है उसको करने दीजिए। याजक का काम याजक करेगा, आपका काम आप करेंगे, और हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो उस काम बेहतर होता चला जाएगा। आपके पास भी पास्टर हैं, याजक हैं, उनसे पूछो ना कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं याजक का काम याजक को करने दो, गलत रास्ते मत पकड़ो। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या वो मेरी बात समझ में आ रही है?